A very pleasant good morning to everyone. Myself Anurag Srivastava. Welcome to the official website of Oxford English School. Dear students, today we are going to discuss new chapter and chapter name is tense. Tense hum log padhenge. Tense of verb in the form of present form. Present tense padhenge hum log. Is it clear? Okay, first of all, what is tense? हम जानेंगे tense होता क्या है, उसके बाद present tense के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो mainly हम आप लोग को बता देते हैं, tense are divided further into three parts. Heading दीजिए, chapter number 2 आपका है class 8. Chapter 2. Tense of verbs is tenses of verb present. Is it clear? What is tense? Tense is a time which is described by verb. Here is verb. Tense is a time which is described by verb, that is called tense. That means we can say that tense is totally incompleted without verb. Tense हमारा क्या है, एक प्रकार का time है, समय है, जो which is described by verb, जो verb को क्या करता है, describe करता है, बताता है कि verb क्या करता है. Is it clear? जैसे कि definition लिख लीजिए, पहले tense होता क्या है. Tense is a time which is described. Tense is a time which is described by verb is called tense. टेंस एक प्रकार का टाइम है विच इज डिस्क्राइब बाय वर्ब, जो वर्ब के द्वारा डिस्क्राइब होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेंस. इज इट क्लियर? टेंस इज डिवाइडेड फर्दर इनटू थ्री पार्ट्स. प्रेजेंट, सेकंड वन past, future. तीन part में tense divide है. present, past, फ्यूचर. प्रेजेंट जो आपके वर्तमान के आज के समय में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट. पास्ट जो आपकी कल की चीजें बीत गई हो, दैट इज कॉल्ड पास्ट. एंड फ्यूचर जो आपके आने वाला कल हो, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर. तो हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ना है. ये दोनों आपके आगे के चैप्टर में है, चैप्टर थर्ड और फोर्थ में. तो हमें प्रेजेंट टेंस के टॉपिक पर डिस्कस करना है. मैंने बताया टेंस क्या होता है, टेंस कितने पार्ट में डिवाइड होता है, फर्दर इन टू थ्री पार्ट. हमें पढ़ना किसका है, ओनली प्रेजेंट टेंस, ओनली टेंसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस. हमें केवल इस टेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है. तो पहले देखिए प्रेजेंट टेंस, ठीक है. इतना आप डिटेल से समझ लीजिए, लिखिए. ओके, ठीक है. तो आप लोगों ने ये समझ लिया. अब मेनली हमें प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में देखिए फोर पार्ट में डिवाइड है. क्या डिवाइड है? एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. फोर पार्ट्स में डिवाइड है प्रेजेंट टेंस में भी, जिसमें हम लोग के अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग बुक में जो है बस प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट और कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है उस कंडीशन में, ठीक है. निगेटिव पर भी जा सकता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव पढ़ेंगे और कंटिन्यूअस के भी अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों पढ़ेंगे, ठीक है. तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. ओके, पहले प्रेजेंट टेंस में हम लोग हेडिंग देंगे
अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस पता है जो हमारे आज के समय में चलता है, ठीक है, जो आज की चीजें बात हूँ दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस में पढ़ना है पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे हम लोग टेंस को फ्रेम करते हैं, किस कंडीशन में? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के लिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए दोनों में कोई डिफरेंस आपका नहीं है। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के दोनों में डिफरेंस नहीं है। देखिए पहले क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस में टेंस को फ्रेम करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत है। पहले जानेंगे क्या होता है सिंगुलर। सिंगुलर वो चीज होती है जो कि सिंगल चीज, जो पर्टिकुलर सिंगल चीज, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। जैसे वन से मैनी हो जाए, ठीक है, प्लूरल हो जाएंगे। जैसे वन चॉक दैट इज कॉल्ड सिंगुलर, मैनी चॉक्स दैट इज कॉल्ड प्लूरल। ही सी इट या किसी का नेम, जब किसी लड़का का नाम, कोई लड़की, ही लड़का, सी लड़की, इट या किसी का नेम, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। यू, योर, दे, वी एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड प्लूरल। तो लिखिए वैल्यू या सिंगुलर नाउन अफर्मेटिव, ये एक बार लिखी है सारे में काम आएगा, ठीक है। पॉइंट व्हेन वी हैव, ये सारी चीजें बुक में नहीं मिलेगी, मैं अपना कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। व्हेन वी हैव सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। व्हेन वी हैव सिंगुलर नाउन ब्रैकेट में लिखेगा ही कॉमा सी कॉमा और नेम, वी ऑलवेज यूज एस कॉमा ई एस विथ वी वन, विथ वी वन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड पॉइंट के लिए लिखना व्हेन वी हैव प्लूरल नाउन लाइक यू, योर, दे, वी, मैंगोस एटसेट्रा। व्हेन वी हैव प्लूरल नाउन वी ऑलवेज यूज V1, only V1, ठीक। जब हमारे पास सिंगुलर नाउन आएंगे ही सी इट या किसी का नेम, रोहन, सोहन, मोहन, टोहन, जो भी, हम लोग वर्ब के साथ फर्स्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ V1 के साथ एस के आईएस लगाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट ही सी इट, याद रखिए ही सी इट या किसी का नेम हो तो हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस के आईएस लगाएंगे। जब हमारे पास प्लूरल नाउन आएंगे यू, योर, दे, वी, मैंगोज, ये सारी चीजें एटसेट्रा, तो हम लोग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा ध्यान से एकदम, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एग्जांपल राम, इसको देखिए बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर को पहले मैं फ्रेम कर देता हूं। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं कैसे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S ऑब्लिक ES, कंडीशन जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्लूरल रहता है
प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, एडवर्ब का प्लेस भी आ जाएगा और टाइम, ठीक है। देखिए अब इसके हिसाब से एक एग्जांपल देखिए, राम गोस टू मार्केट। सेकेंड एग्जाम्पल, दे ईट मैंगो। ध्यान देखिए, राम गोस टू मार्केट, इज इट क्लियर? देखिए यहां पे है राम गोस टू मार्केट, ठीक है। देखिए राम क्या है आपका, मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हमें पता था कि जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन होंगे, हम लोग वर्ब, अब वर्ब आती है बात, वर्ब क्या होती है सर? वर्ब हम लोग कहते हैं जिस वर्ब की फॉर्म में क्या कहते हैं, वर्ब, ठीक है। जो हम लोग सेंटेंस में काम करते हैं, वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन, एक्शन को क्या कहते हैं, एक्शन, यदि एक्शन सारी चीजें हैं उसी को वर्ब बोलते हैं, सो डूइंग ऑफ एक्शन वर्ब, ठीक। जैसे राम गोस टू मार्केट, राम बाजार जाता है, देखिए गो क्या है, जाना, डूइंग ऑफ एक्शन जा रहा है, हम पता है कि सिंगुलर में तो वर्ब के साथ एस या एस ऐड कर दिया, हमने एस ऐड कर दिया, ठीक। अब जैसे देखिए राम गोस टू मार्केट, ठीक। अब जैसे दे ईट मैंगो, वे आम खाते हैं, ठीक है। ओके क्लियर। तो जैसे देखिए मैं बता रहा था, दे ईट मैंगो, दे क्या है आपका प्लूरल नाउन है, और उसके साथ हमने केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईट क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईट आपका पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड ईटन थर्ड फॉर्म, ठीक है। दे ईट मैंगो, क्लियर हुआ? पहले देख लीजिए कैसे वर्ब के साथ ऐसे यस लगाते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें निगेटिव सेंटेंस हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस आएगा तो जहां आपका सिंगुलर नाउन हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस देखिए यूजेस आएंगे आपके, निगेटिव सेंटेंस में वेन वी हैव सिंगुलर नाउन, ठीक है, इसमें चीजें बस थोड़ा बदल जाएंगी। वी ऑलवेज यूज डस, क्या चीज डस, यहां पे विमन के साथ नहीं करना। वेन वी हैव प्लूरल नाउन वी ऑलवेज यूज व्हाट, डू। इसके हिसाब से स्ट्रक्चर आपका बस थोड़ा बदल जाएगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस अब यहां हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए इसके हिसाब से एग्जांपल, सिंगुलर वर्ब की आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। वी डू नॉट कम, हम स्कूल नहीं आते हैं, वी डू नॉट कम टू स्कूल, वी आपका प्लूरल नाउन है, अभी के साथ हम जानते हैं डू, देखिए पहले सब्जेक्ट आता है, मैंने सब्जेक्ट किया, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दिया, फिर नॉट, नॉट को लगा दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ वी वन, वी वन हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू स्कूल, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। तो ऐसे बनेंगे निगेटिव के, इसीलिए अभी आप समझ गए सिंगुलर प्लूरल के साथ क्या होता है, ठीक है, वेरी गुड। देख लीजिए एक एग्जाम्पल इसमें और लिख लीजिए, सी डज नॉट कुक, वह खाना नहीं पकाती है, देखिए सी सिंगुलर नाउन था, इसलिए मैं डज आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,